आप सभी का पुनः स्वागत केमिस्ट्री क्लास में। ये अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग हमारा 50% से ऊपर पार्ट बीएससी थर्ड ईयर में कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो टॉपिक है वो भी ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री चल रहा है। और इस ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास चार प्रकार के मेटल के हमें ऑर्गेनोमेटलिक ऑर्गेनिक में चार प्रकार के मेटल यूज करने हैं, जिसमें से हमने एल्यूमिनियम और मरकरी एल्यूमिनियम मरकरी चार प्रकार के मेटल ही हमारे सिलेबस में एल्यूमिनियम जिंक मरकरी और थेलियम टाइटेनियम। तो हमने एल्यूमिनियम मरकरी और जिंक एल्यूमिनियम मरकरी जिंक के कंपाउंड हमने पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे टाइटेनियम की, टाइटेनियम के कंपाउंड ऑर्गेनोमेटलिक टाइटेनियम। और हमारा मेटल है वो टाइटेनियम। टाइटेनियम के जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है उसके बारे में बातचीत करेंगे। यद्यपि टाइटेनियम के कार्बोदित यौगिकों का सही रूप से अध्ययन 1952 में ही प्रारंभ हुआ था, परंतु जब से ओलेफिनों के बहुलीकरण में टाइटेनियम के यौगिक उत्प्रेरक जिगलर डाटा इंपॉर्टेंट है जिगलर और डाटा जिसमें टाइटेनियम यूज किया गया था के रूप में प्रयुक्त होने लगे, तब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। इसके अतिरिक्त कुछ टाइटेनियम यौगिक नाइट्रोजन के नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अच्छे साबित हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके बनाने की विधियां। सबसे पहले है एल्कली कारक या एरली कारक अभिकर्मक के उपयोग से। जैसे सबसे पहले मेथड बात करें हमें टाइटेनियम क्लोराइड, ये टाइटेनियम क्लोराइड है, इसके रिएक्शन हम करवाएं Al2Cl2Me है तो ये एल्काइलेशन मान सकते हैं हम CH3Me मेथड। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 2TiCl3 methyl 2AlCl3। TiCl2C5H5+2 methyl lithium मिल गया हमें TiMe2C5H5O2। इसी प्रकार टाइटेनियम डेटा क्लोराइड रिएक्ट विद मेथिल लिथियम तो हमें टाइटेनियम एमई टेट्रा मेथिल टाइटेनियम हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से एल्काइलेशन या एनाइलेशन ऑफ रिएजेंट्स के उपयोग से। सेकेंड मेथड है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड तथा फेनिल लिथियम की अभिक्रिया से। टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो ये टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला है टाइटेनियम और ये आइसोप्रोपोक्साइड, ये आइसोप्रोपोक्साइड प्लस फेनिल लिथियम 6H5 लिथियम, ये है टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड। टाइटेनियम आइसोप्रोपोक्साइड इसके रिएक्शन फेनिल लिथियम से कराई हमने, तो हमारे को टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड C6H5TiO3Al3
ये मिला हमें, जिसका नाम है फेनिल टाइटेनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। फेनिल टाइटेनियम आइसो प्रोपॉक्साइड। इसी प्रकार से अदर मेथड्स भी है जिससे हम लोग टाइटेनियम के ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। टाइटेनियम के डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल यौगिकों का संश्लेषण। अब टाइटेनियम के डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल यौगिक किस प्रकार से बनाए? टाइटेनियम टेट्राक्लोरोटाइटेनियम प्लस Na(C5H5) इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम। साइक्लोपेंटाडाइनाइल सोडियम, इन दोनों की जब रिएक्शन हुई तो हमें इस प्रकार से कंपाउंड मिला C5H5P2। ये डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल और ये टाइटेनियम, ये Cl2, यही टाइटेनियम का ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। अब हम बात करेंगे मेथड्स की। हो गया प्रॉपर्टीज, क्या क्या गुण है इसके। कार्बोकैटायन यौगिकों के साइक्लोपेंटाडाइनाइल यौगिकों का अध्ययन अधिक विस्तार में किया गया। डाइएथिल टाइटेनियम क्लोराइड एक लाल क्रिस्टलीय ठोस है। C2H5P2 एक लाल क्रिस्टलीय ठोस है जो अनेकों कार्बन टाइटेनियम यौगिकों के संश्लेषण में प्रारंभिक यौगिकों के रूप में उपयुक्त होता है। इस प्रकार इसकी कुछ अभिक्रियाएं भी है। इससे क्या क्या चीज बन सकती है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। C5H5 ये डाई है और ये टाइटेनियम और ये क्लोराइड, इससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। सबसे पहले इसके रिएक्शन यदि TiCl4 से करवाए तो हमें मिलेगा C5H5TiCl3। यदि हम इसकी रिएक्शन RMGH से करवाते हैं तो हमें मिलेगा C5H5 2 टाइटेनियम Cl R, और मिलेगा C5H5 2 Ti R2। यदि हम इसकी रिएक्शन एलील मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करवाते हैं, ये एलील, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे हम इस रिएक्शन करवाते तो हमें मिलेगा C5H5 टाइटेनियम। इसकी आगे चलें तो हमें मिलेगा CH2 CH2 CH। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CO+Mg से तो C5H5 इसकी होल ट्वाइस और ये टाइटेनियम और ये CO होल ट्वाइस। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं Na(Zn) से तो C5H5 की होल ट्वाइस Ti, ये HCl और ये Cl और ये Ti C5H5 होल ट्वाइस, ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन के प्रेजेंस में। एक रिएक्शन और है Li
NR2 के साथ करवा दें तो C5 H5 इसकी होल ट्वाइस Ti NR2 की होल ट्वाइस। अब ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम के साथ करवा दें, ये ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम इसके साथ यदि करवा दें तो C5H5 की होल ट्वाइस Ti, ये CF और ये CH2, ये Ti और ये C5H5 में इसमें Me3 है ना, AlMe ये यहाँ जाएगा एल्यूमिनियम का काम, AlMe3। एक रिएक्शन और इसके साथ करवा देते हैं PME3, ये मैग्नीशियम मेटल की प्रेजेंस में भी है, बनेगा C5H5 की होल ट्वाइस Ti PME3 होल ट्वाइस। और हमारे सेकंड क्लोराइड की रिएक्शन जब मैथिल टाइटेनियम क्लोराइड से करवाई जाती है तो कार्बन यौगिक भी बनाए जाते हैं। एक रिएक्शन है आइसोब्यूटेलियन की क्रिया, टाइटेनियम मेथिल से इंसर्शन अभिक्रिया से नियोपेंटिल यौगिक बनता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन है। इसको हम लोग इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं, Cl3 टाइटेनियम CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड C, ये CH3 और ये CH3, यहाँ पर ब्यूटी है इसकी, हमने रिएक्शन करवा दी टाइटेनियम के मेटल कंपाउंड से, हमें मिला Cl3Ti CH2 C CH3 टाइटेनियम यौगिकों द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण भी किया जाता है, कुछ कारण धातु के यौगिक का टाइटेनियम के वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में उत्प्रेरक की तरह काम में आते हैं, जैसे डाइएथिल टाइटेनियम क्लोराइड, फेनिलिथियम का मिश्रण जिसमें डाइएथिल टाइटेनियम क्लोराइड 1 और फेनिलिथियम 5 इतर विलयन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जल पर करते हैं तो अमोनिया में एनिलीन बनते हैं जो अभिक्रिया में N2 टाइटेनियम फेनिल बॉन्ड में इंसर्ट होता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। रिएक्शन भी देख लीजिएगा टाइटेनियम और ये PH, ठीक है, और ये नाइट्रोजन, तो इससे Ti और ये PH तो था, इसके साथ ये इंसर्शन हुआ नाइट्रोजन का, इसके आगे Ti तो था डायरेक्ट N से जुड़ गया डबल बॉन्ड N और ये PH, ये PH इधर चला गया, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसके बाद में नंबर 1 तो होगा लिथियम PH द्वारा रिडक्शन, रिडक्शन बाई लिथियम PH, और सेकंड नंबर पे है हाइड्रोलाइसिस, तो हमें प्राप्त होता है PH NH2 ये NH3, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन। टाइटेनियम यौगिकों का बहुलकीकरण जिग्लर डाटा उत्पादन है, जिग्लर डाटा ने बताया कि टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड में ट्राइएथिल एल्यूमिनियम का हाइड्रोकार्बन विलयन में बना सामान्य ताप और ताप पर एथिलीन के बहुलकीकरण में उत्प्रेरक का कार्य करता है और यह जिग्लर डाटा उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, इसका उपयोग एल्कीन बनाने में करवाया जाता है। तो ये बातें थी हमारे टाइटेनियम के कंपाउंड्स की, टाइटेनियम का ऑर्गेनिक मेटलिक कंपाउंड था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोजिनेशन और उसके बाद में हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और ये चैप्टर वहाँ पर जाकर के खत्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे।
आप लोग बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, असाइनमेंट तैयार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।